हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों दोस्तों गल्फ नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जो मैं वैकेंसी बताने वाला हूँ वो 3 देशों के लिए बताने वाला हूँ। अभी जो हमारे पास वैकेंसी आया है वो 3 कंट्री के लिए आया है और अलग अलग कंपनी के लिए आया है और अलग अलग इंटरव्यू है। ओके, ये पहला जो है दोस्तों वो कतर कंट्री के लिए है। उसके बाद है दोस्तों कुवैत के लिए, उसके बाद है दोस्तों अबू धाबी दुबई के लिए। ओके, 3 कंट्री के लिए है, कतर कुवैत एंड दुबई। ओके, और दोस्तों ये जो आपको वैकेंसी है ये आयरलैंड बैग गैस फील्ड का है, पेंटिंग डिपार्टमेंट का भी है, पाइपिंग डिपार्टमेंट का भी है और वेल्डिंग डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट, ड्राइविंग डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मेरे आपसे ये बस एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपकी सारी जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो मैं चलता हूँ वैकेंसी को, कि कौन कौन सी वैकेंसी है वो मैं आपको बता दूँ। पहला जो है दोस्तों वह बस ड्राइवर का। ओके, बस ड्राइवर में जो है वो हैवी ड्राइवर होता है, हैवी गाड़ी के लिए होता है, तो उसमें हैवी ड्राइवर भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद है दोस्तों उसके जो बस ड्राइवर की सैलरी जो है वो है दोस्तों 1980 यानी 1980 रुपया, प्लस आपका ओवर टाइम भी है, प्लस आपका एक्स्ट्रा भी है, वो आपका सैलरी जो है वो 3,3500 से एबव ही आएगा, 3500 से एबव ही आएगा। उसके बाद है दोस्तों टैक्सी ड्राइवर का। टैक्सी ड्राइवर का दोस्तों इसको आप कह सकते हैं कि लाइट ड्राइवर। ओके, मतलब कि छोटा गाड़ी का है तो लाइट ड्राइवर आप कह सकते हैं। उसका जो सैलरी है दोस्तों 1200 प्लस कमीशन अलग से है। ओके, 1200 प्लस कमीशन अलग से है, ये दोस्तों मैं कतर का बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद इसमें जो दोस्तों है कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस दोनों पोस्ट के लिए कम से कम आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना जरूरी है, अगर आप अरबी जानते हो तो बहुत बढ़िया है। ओके, और उसके बाद दोस्तों इसमें यह है कि आपके पास इंडियन लाइसेंस होना चाहिए जिसका कि वैलिडिटी कम से कम 8 महीने अभी बचा हो। ओके, हाँ, तो दोस्तों 8 महीने कम से कम आपकी लाइसेंस की वैलिडिटी जो है वो बचा रहना चाहिए ये। ओके, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस लेटर भी आपके पास होना चाहिए कि आपने किसी कंपनी में एज अ ड्राइवर आपने वर्क किया है। ओके, तो दोस्तों दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वैकेंसी है दोस्तों कुवैत का। ओके, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहला जो मैं वैकेंसी बताया हूँ उसका इंटरव्यू मुंबई में और गोरखपुर और दिल्ली, 3 जगह है। कतर का ड्राइवर का जो मैंने बताया है वो आपका 3 जगह है। ओके, और इसी मंथ में उसका इंटरव्यू है, कब इंटरव्यू है मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा। ओके, उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि एक कुवैत का है, इसका इंटरव्यू दोस्तों 3 दिन चलेगा और वो भी इंटरव्यू दोस्तों मुंबई में है। ओके, आप मुंबई में जाके इंटरव्यू आप दे सकते हो। ओके, तो इसका जो इंटरव्यू है दोस्तों वो मुंबई में है। उसके बाद कुवैत का है, मैं बता दूं किस किस कंपनी का है, ये है दोस्तों ब्रश पेंटर का। अगर आप पेंटर हो आपको पता होगा कि ब्रश पेंटर क्या होता है, नहीं होता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये जो है दोस्तों मैकेनिकल के लिए, मतलब मैकेनिकल में चाहिए ब्रश पेंटर। ओके, तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों मैं आपको बताया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज जो मैं बताने वाला हूँ उसमें 3 कंट्री का। ओके, पहला कतर, फिर कुवैत, फिर आपका दुबई में, 3 जगह वैकेंसी है। ओके, तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दुबई के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका भी इंटरव्यू दोस्तों 3 दिन चलेगा, ये आपका मुंबई में चलेगा और आपका दिल्ली में चलेगा। ओके, उसके मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किस किस पोस्ट के लिए। उससे पहले मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो किसी भी पोस्ट पे तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप लिंक दे देता हूँ, आप उस व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करके आप मेरे से डायरेक्ट मेरे ग्रुप में, गल्फ नौकरी ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप एडमिन को मैसेज करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। ओके, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुबई की वैकेंसी जो है उसमें दोस्तों चार्जेंट दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल का चार्जेंट का है, उसके बाद एक मैकेनिकल का चार्जेंट का है, उसके बाद एक डक्टिंग का चार्जेंट का है, उसके बाद एक प्लम्बिंग का चार्जेंट का है। ओके, मैं आपको फिर से बता दूं कि चार्जेंट का है, इलेक्ट्रिकल का भी चार्जेंट का है, मैकेनिकल का भी चार्जेंट का है, एंड आपका रिगिंग का भी चार्जेंट का है, एंड आपका प्लम्बिंग का भी चार्जेंट का है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है चार्ज हैंड में तो आप इसमें इंटरव्यू इजी वे में दे सकते हो। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लम्बर हो, अगर आपके पास प्लम्बर का काम आपने किया है और प्लम्बर से आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो प्लम्बर का भी अपने पास वैकेंसी है। अगर आपने काम किया है कहीं पे साल दो साल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है
तो आप प्लम्बर में भी एक इंटरव्यू आप दे सकते हो। ये जो वैकेंसी मैं दोस्तों बता रहा हूँ ये दुबई के लिए बता रहा हूँ, ओके दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों डक्ट फिटर का। डक्ट फिटर में दोस्तों अगर आपने डक्ट फिटर का काम किया है, अगर आपके पास डक्ट फिटर का नॉलेज है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, तो आप डक्ट फिटर में आप इंटरव्यू दे सकते हो, ओके दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसका जो वैकेंसी वो है लो बेड ऑपरेटर का। लो बेड ऑपरेटर में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लो बेड ऑपरेटर में भी आप कर सकते हो, वो है टेलर के लिए, ओके। लो बेड ऑपरेटर अगर आप जानते होंगे, अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि लो बेड ऑपरेटर क्या होता है, नहीं होता है, ओके। उसके बाद दोस्तों दुबई में भी है हैबी ड्राइवर का। हैबी ड्राइवर बोले तो दोस्तों इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि हैबी ड्राइवर और लाइट ड्राइवर क्या होता है, और अभी भी मैंने शुरू में ही बताया था कि हैबी ड्राइवर और लाइट ड्राइवर, क्योंकि उस समय जो है कतर का मैं बता रहा था, अभी मैं दुबई का बता रहा हूँ। तो हैबी ड्राइवर मतलब कि दोस्तों बस ट्रक वगैरह हो गया इसका ड्राइवर, इसमें भी हैबी ड्राइवर चाहिए इंडस्ट्री के लिए। अगर आपके पास लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस भी चलेगा, लेकिन आपका लाइसेंस एक्सपायर नहीं होना चाहिए, कम से कम 8 महीने आपका एक्सपायरी डेट बचा होना चाहिए इंडियन लाइसेंस का, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों है वो है लाइट ड्राइवर का। लाइट ड्राइवर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लाइट ड्राइवर में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके दोस्तों। लेकिन उसमें भी आपको जो है इंडियन लाइसेंस चाहिए और आप मेडिकल फिट होना चाहिए, दोनों में आपको मेडिकल फिट। और एक्चुअली मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आप अपने गल्फ में, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में, कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हो या फिर जाना चाहते हो या फिर जाते हो, तो आपको मेडिकल फिट चाहिए ही चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज आप लोग ड्रिंकिंग ना करें एंड सिगरेट वगैरह ये सब ना पिए, उससे शरीर की बहुत नुकसान होती है, जिससे कि आपका मेडिकल जो है अनफिट भी हो सकता है, ओके। तो आपको अगर इंडिया से बाहर जाना है तो उसके लिए आपको फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपको जॉब में भी फायदा मिलेगा और आपके शरीर के लिए भी सही रहेगा, ओके दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों व्हील लोडर ऑपरेटर का। व्हील लोडर ऑपरेटर जैसे कि ऑपरेटर है, ये लोडर है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है इसमें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, अगर सिर्फ आप कहीं इंडस्ट्री में लेबर का भी काम किया या फिर किसी चीज़ में काम किए होंगे, तो आप इसमें जाके अप्लाई आप कर सकते हो कि हाँ मैंने इस फील्ड में यहाँ पे काम किया है एज अ वर्कर, एज अ लेबर, तो आपको इसमें भी लिया जाएगा, ओके दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों इतना मैंने बता दिया। उसके बाद दुबई में दोस्तों है अभी एक कंपनी है एनवीटीसी, एनवीटीसी की वैकेंसी आने वाली है। मैं आपको आज शाम को या फिर कल मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। और दोस्तों अगर आप इंजीनियर हो, ओके, डॉक्टर हो या फिर टीचर हो, उसके लिए भी आज वैकेंसी आई है। और अगर आप चिलर डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो या फिर चिलर डिपार्टमेंट में आपका नॉलेज है या फिर आप चिलर डिपार्टमेंट में आपने काम किया है, एक्सपीरियंस है, तो उसमें के लिए भी आज जो है वैकेंसी मैं लाया हूँ, ओके दोस्तों। तो ये मैं आपको शाम में बताऊंगा या फिर कल आपको जरूर बताऊंगा, ओके दोस्तों। तो अभी मैंने जितने 3 देशों के लिए बताया है, बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से आप एड्रेस पूछ लो कि इंटरव्यू कहाँ पे है, या फिर आप मेरे से उसका फ़ोन नंबर ले लो, कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, या फिर हर एक डिटेल आप कुछ भी मेरे से ले सकते हो इस जॉब के रिगार्डिंग, ओके दोस्तों। या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से क्वेश्चन बेहिचक आप पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा, ओके दोस्तों। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके या फिर कहीं ना कहीं से जानकारी लेकर मैं आपको जरूर 110% मैं आपको जानकारी दूंगा, ओके दोस्तों। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए कमेंट पे आप कमेंट करो कि आपकी क्या परेशानी है, आप क्या चाहते हो, मतलब एड्रेस चाहते हो, फ़ोन नंबर चाहते हो, कुछ भी आप वहाँ बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आप मेरे साथ ऐड होके एडमिन को मैसेज करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हो जॉब के रिगार्डिंग, ओके दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि सबसे लास्ट कि अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर आपके कोई फ्रेंड अगर इसमें इंटरेस्टेड है, आपको लग रहा है कि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है, तो प्लीज़ आप उसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ओके दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ओके, थैंक यू।